खबर उत्तर प्रदेश हमीरपुर से है। हमीरपुर तहसील राट में जमकर भ्रष्टाचार। तहसील राट में अधिकारी की नाक के नीचे वेंडरों द्वारा स्टैम्प विक्रेताओं ने मचाई जमकर लूट। 10 रुपए की स्टैम्प के लिए आम जनमानस से वसूले जा रहे 2 गुना रुपए। 10 रुपए का स्टैम्प 20 रुपए में व शपथ पत्र के नाम पर खुली लूट। तहसील राट में स्टैम्प विक्रेताओं द्वारा स्टैम्प पर ओवर रेटिंग का खेल। मजदूर किसान ऐसा और गरीबों का किया जाता आर्थिक शोषण। स्टैम्प विक्रेताओं द्वारा बैंक गेट में भी ऑफलाइन स्टैम्प बेचने का मामला आया सामने। तहसीलदार राड मामले को टहलाते हुए कहा, जिलाधिकारी करेंगे कार्रवाई। शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राड SDM विपिन कुमार ने समस्त स्टैम्प विक्रेताओं को बुलाकर लगाई फटकार, दी चेतावनी। जन सेवा केंद्रों पर भी स्टैम्प बेचा जा रहा है 2 गुना कीमत पर। राड तहसील में आपने स्टैम्प खरीदा है, क्या समस्या आ रही है उसमें? यहाँ मुझे स्टाम्प की ज़रूरत पड़ी तो आज मैं यहाँ आया। मैं सरीला का निवासी हूँ, मेरा नाम कृष्ण कुमार द्विवेदी है। मैंने यहाँ पता किया स्टाम्प वेंडरों से तो 10 रुपए का स्टाम्प 20 रुपए में मुझे बताया। कई स्टाम्प वेंडरों के यहाँ गया, आखिरकार मजबूरी में मुझे 10 रुपए वाला स्टाम्प 20 रुपए में ख़रीदना पड़ा। यहाँ राड तहसील में इस तरीके से गरीब और असहाय किसान मजदूर लोग आते हैं, उन सबसे इस तरीके की लूट जो ये चल रही है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं यहाँ बैठे अधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय से आग्रह करूँगा कि इस पर ध्यान दें और ये बहुत ही गलत बात है कि अधिकारियों की नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।